नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में आप सभी का स्वागत है। दो सिंपल बैंक्स क्या करेंगे, ये क्या है इनके, आप देखें पिटारे में पूरा फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन मार्केट्स, वॉल स्ट्रीट, रेस्ट ऑफ एशिया, यूरोप, इसी को अगर आप देखें देख रहा है, किस करवट बैठेगा इस इवेंट के बाजार, शायद आज डिस्कशन का जो ज्यादातर हिस्सा है वो यही रहेगा। यहाँ से तेज, यहाँ से एक बार फिर से यू टर्न। शुरुआत करते हैं SGX निफ्टी के स्तरों के साथ। आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ऑलमोस्ट इस वक्त 6.5 अंक नीचे है, हालांकि ये जा कहीं नहीं रहा है। इस वक्त देखें तो अभी भी उसी ट्रेजेक्टरी में जिस ट्रेजेक्टरी को हम बीते 3 दिन से लेकर चल रहे हैं, नीचे डाउन साइड 8720, ऑन द हाई साइड 8840। लेकिन कल के जो स्टैटिस्टिक्स थे, कल के जो आंकड़े थे, कल की जो FIs की अप्रोच थी, जो कल की DIs की अप्रोच थी, उसको देखते हुए आइए हम एग्जैक्टली क्या अप्रोच लेके चलेंगे, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कल के स्टैटिस्टिक्स को देखकर, थोड़ा सा FIs के वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखते हुए, और उसके अगर आप देखें पैरेलल जो ऑप्शंस का बिहेवियर रहा है उसको देखते हुए, थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी हैं, स्पेशली निफ्टी बैंक को लेकर। 8680-8710 याद रखिए, ये इस दौर का सबसे क्रिटिकल सपोर्ट है, उसके नीचे दबाव बेहद बेहद ज़्यादा संभव है। पर 8840-8850 इस वक्त एक सबसे बड़ा सप्लाई जोन है, जिसको पार करना फॉर द टाइमिंग मुश्किल लगता है। विदाउट ऐसा कोई वॉल स्ट्रीट से अच्छा संकेत आता है कि हम उसको पार कर जाए, वो बात दूसरी है। लेकिन कॉल में कल जोरदार राइटिंग हुई है, पुट्स में बाइंग हुई है, जो कि एक हेजिंग एफर्ट्स अगर आप देखें रिफ्लेक्ट कर रहा है। याद रखिए, इस वक्त बैंक निफ्टी ज़्यादा कमजोर लग रहा है, एग्जॉस्टेड लग रहा है। बैंक निफ्टी पे करीब 19607 का स्टॉप लॉस लेके चले, इसके टूटने पर गिरावट संभव है। और याद रखिए, बैंक निफ्टी पर हेजिंग के लिए इस वक्त 19500 की पुट लेकर चलना, खरीद लेकर चलना आपके अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए इस वक्त बेहद 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 जरूरी है। दीपाली, बिल्कुल, तो ये शुरुआती स्ट्रैटेजी हुई और आगे बातचीत करेंगे भी डेरिवेटिव डेटा को देखते हुए, इंडेक्स निफ्टी पर आज आपको क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो इंटरनेशनल क्यूज हैं उनको समझ लेते हैं, और रजत हमारे साथ मौजूद भी हैं न्यूज रूम से। रजत, गुड मॉर्निंग। बैंक ऑफ जापान और फेड, ये दो नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा हो रही है बीते कुछ दिनों से, कुछ ही मिनटों में इनफैक्ट बैंक ऑफ जापान के जो आउटकम्स होंगे वो जारी हो जाएंगे। लेकिन अभी मार्केट्स का रिएक्शन कैसा है और US मार्केट्स से क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं? जी बिल्कुल, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बैठक कुछ ही देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसका अपडेट जरूर देंगे। लेकिन वो एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा, एशियन मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करेंगे आज दिन भर उस पर डिपेंड करेंगे। उससे पहले निके पे देखिए, हल्का प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आने वाले समय के लिए कंटिन्यू रखा बैंक ऑफ जापान ने, तो वो एक बहुत एक ट्रिगर बन जाएगा एशियन मार्केट्स के लिए। देखना होगा कि क्या बॉन्ड खरीदारी को लेकर और कुछ स्टिमुलस को लेकर बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बैठक में अनाउंसमेंट्स निकल के आती हैं, मेजर ड्राइवर्स एशियन मार्केट्स के लिए साबित होंगे। लेकिन उससे पहले निके, ताइवान, शंघाई, हैंगसेंग सभी मार्केट्स पे माइल्डली नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है, कॉस्पी बिल्कुल फ्लैट हो चला है। तो एशियन मार्केट्स पे आज फोकस क्लियर कट रिफ्लेक्ट होगा, और वैसे भी फेड की पॉलिसी बैठक का आउटकम भी आ जाएगा और उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे कल पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड्स आज के सत्र में और कल के सत्र में ट्रेडिंग सेशंस इंडियन मार्केट्स के लिए पैन आउट होता हुआ नजर आएगा। कल के सत्र में अमेरिकन बाजार मामूली बढ़त के साथ मैं कहूंगा कि क्लोज होते हुए नजर आए। हेल्थ केयर शेयर्स ने संभालने की कोशिश की, आईशेयर्स बायोटेक ETF जो इंडेक्स है उसमें 1.5% की बढ़त थी, और क्रूड मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। कुछ इकोनॉमिक आंकड़े जिसमें हाउसिंग स्टार्ट्स, इसमें थोड़ा अनुमान से कम आंकड़ा रहा, उसने कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन बहुत एक रेंज बाउंड सेशन जो था वो अमेरिकन मार्केट्स पर रिफ्लेक्ट हो रहा। तो बड़े ट्रिगर्स जो है वो थोड़ी देर बाद बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी। इनफैक्ट रजत, बड़े ट्रिगर्स डेफिनेटली, लेकिन कंसेंसस क्या है? हालांकि बातचीत तो यही हो रही है कि फेड से ज्यादा जो बज है इस बार वो बैंक ऑफ जापान की मीट को लेकर है, क्योंकि बातें ये हो रही है कि वो अपना जो रेट कट है उसको लेकर फर्दर कुछ अनाउंसमेंट आ सकती है, और जो एसेट परचेज प्रोग्राम है उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और अगर ऐसा किया तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा मार्केट्स के लिए। लेकिन कंसेंसस क्या बन रहा है अभी? जी बिल्कुल, कंसेंसस यही है कि अभी तक के एस्टिमेट ये बता रहे हैं कि वो जो नेगेटिव इंटरेस्ट सिनेरियो के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको एक्सटेंड करेंगे, यानी कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हो सकता है कि और ज़्यादा करते हुए नजर आए इकॉनमी में नेगेटिव साइड पे। और ऊपर से हेलीकॉप्टर मनी पंप इन करने की भी बात की जा रही है, इन्फ्लेशन को बढ़ाना एक मेजर मुद्दा जापानीज इकॉनमी के ऊपर मंडरा रहा है, तो उसको करने के लिए कहीं ना कहीं जैसे एसेट बाइंग प्रोग्राम जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बॉन्ड खरीदारी तेजी से देखने को मिल सकती है, और स्टिमुलस के अनाउंसमेंट बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैंक ऑफ जापान इस बार की पॉलिसी में करता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स हैं जिसपे अब क्लियर कट नजर रहेगी, अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो उसका असर एशियन मार्केट्स पर देखने को मिलता है। चलिए, शुक्रिया आपका रजत। बाकी वक्त जो है ना वो सब कुछ बता देगा कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रेखाओं पे बात कर लेते हैं। कहते हैं ना, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, राकेश बंसल है रेखाओं पे बात करने के लिए, टेक्निकल से बात करने के लिए। राकेश, गुड मॉर्निंग। ये मुस्कुराहट बहुत जरूरी है अगले दो दिन के लिए। अभी बताइए, आप ट्रेडर्स को, अपने क्लाइंट्स को क्या राय दे रहे हैं निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। वीरेंद्र, निफ्टी पे नीचे में 8700 एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 8700 के लेवल पे नजर रखनी चाहिए। अगर 8700 के लेवल्स टूटते हैं
तब निफ्टी में काफी पेन देखने को मिल सकता है, और पेन उसके लिए ज्यादा होगा जो मार्केट में लॉन्ग साइड पर खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी में 19,700 नीचे में एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो एक शार्प करेक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। मेरा ऐसा मानना है अगर मार्केट में करेक्शन आने के चांसेस हैं, अगर करेक्शन आएगी तो उस करेक्शन को बैंक निफ्टी लीड करेगा। एज ऑफ नाउ मार्केट में जिस तरीके से रजत बोल रहे थे, हेल्थ केयर ने अच्छा परफॉर्म करा। एज ऑफ नाउ हमारी ज़्यादातर बाय कॉल्स फार्मा स्पेस से हैं। मार्केट में मेरा ऐसा मानना है शॉर्ट शॉर्ट की पोजीशंस भी इनिशिएट करनी चाहिए। मार्केट्स थोड़ा सा वोलाटाइल और चौपी है, और मुझे लगता है मार्केट में एक सेलिंग शायद देखने को मिले, स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। जी, स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, ऐसे में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं ये जानेंगे राकेश से। लेकिन सब फटाफट से कल जो इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच रही है मार्केट्स में उसको समझ लेते हैं। वीरेंद्र, हालांकि जो FIs का कैश मार्केट का आंकड़ा है वो पॉजिटिव है, और इसमें कैस्ट्रॉल की ब्लॉक डील का भी इम्पैक्ट है, लेकिन उसको हटाकर अगर देखें तो क्या इंस्टीट्यूशंस भी कॉशियस रहे हैं फेड बैठक से पहले? बिल्कुल, अगर आप देखें दीपाली, नो डाउट आपने जो BP और कैस्ट्रॉल की अगर आप देखें नंबर का जिक्र किया, वो 1900 करोड़ रुपए का नंबर था, उसका मतलब अगर आप देखें तो FIs के 800 करोड़ रुपए की बाइंग की फिगर हो गई है, और DIS की तरफ से करीब 777 करोड़ रुपए की खरीदारी। थोड़ी देर के लिए आपने जरा कैश बाजार को छोड़ दीजिए, वायदा कारोबार को देखिए, 2952 करोड़ रुपए की FIs की बिकवाली है, चिंता में डाल रही थी। और देखिए दीपाली से बताऊँ मैं, कल जब मैं इन स्टैटिस्टिक्स को देख रहा था प्राइमा फेसिया, एक शॉक ये लगा कि यार ये इसमें इतना डाइवर्जेंस क्यों है। पिछले 5 दिन के 10 दिन के स्टैटिस्टिक्स और कल के स्टैटिस्टिक्स में एक डाइवर्जेंस था। जरा एक बार सेगमेंट वाइज आइए, आप इंडेक्स उन्होंने थोड़ा शॉर्ट किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, और उनकी तरफ से लॉन्ग अनवाइंड थे। इंडेक्स ऑप्शंस में 1943 करोड़ रुपए की बिकवाली FIs की, याद रखिए 1943 करोड़ की बिकवाली, और स्टॉक फ्यूचर्स में 896 करोड़ की बिकवाली। कल मैंने देखा कि उनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े, उन्होंने जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वहां पे मंदी ज्यादा खेली, और जो इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा था जो 2000 करोड़ रुपए की बिकवाली थी दीपाली, हुआ क्या? कॉल लॉन्ग अनवाइंड, कॉल शॉर्ट बड़े हैं कॉन्ट्रैक्ट उनके, और उनके पुट्स के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स भी बड़े हैं, याद रखिए। तो FIs का कल का अगर आप देखें बिहेवियर, अब मैं अगर इस आंकड़े को पैरेलल बिठाऊं निफ्टी के, तो निफ्टी में कल क्या हुआ देखिए, निफ्टी के जरा ऑप्शंस के आंकड़े दिखाइएगा। निफ्टी से ज्यादा क्रिटिकल आंकड़े थे निफ्टी बैंक के, पहले कि हालांकि निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। 8800 की कॉल राइटिंग, 8900 की कॉल अगर आप देखें वहां पे जो लॉन्ग होल्डर था वो बाहर निकला था, और 9000 की कॉल जो थी वहां पे अगर आप देखें डिसाइसिवली राइटिंग हुई थी, करीब करीब 6.25 लाख से जुड़े थे। तो देखिए याद रखिए 8840 से लेकर 9000 के क्लस्टर के बीच में एक बहुत स्ट्रांग वॉल क्रिएट हो गई है, 8840 से 9000 के बीच में। ऑन द डाउन साइड आप पुट्स पे आए, देखिए कल क्या हुआ था, तीन पुट्स के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। देखिए 8800 की पुट अपनी तरफ ओपन इंटरेस्ट खींच रही थी लॉन्ग साइड पे, 8700 की पुट में जो शॉर्ट बैठा था वो बाहर निकला, और अगर आप 8600 की पुट को देखें तो वहां पे 3.25 लाख, और सेम इज द केस विद 85 का जिक्र यहां नहीं है, लेकिन 85 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट घटा था। तो पुट्स का बिहेवियर कल मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, उसको देख के लग रहा था कि शायद मार्केट 8700 के नीचे स्लिप करने की माइट भी तैयारी कर रहा है। मैंने कहा ना कि निफ्टी उतना नेगेटिव नहीं था। अब आइए जरा निफ्टी बैंक पे, निफ्टी बैंक देखिए कल हालांकि क्लोज बहुत नीचे नहीं हुआ, लेकिन ये एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, थकान बुरी तरह से खराब देखें इसके अंदर भरी हुई है। 20,000, 20,200, 20,320 इस क्लस्टर को पार ही नहीं कर पा रहा है, और काफ़ी इससे पहले चल भी चुका है। कल मैं आपको बताऊं 22 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट यानी कल का कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही साथ इसका सीरीज के एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट 20,500, 20,300, 20,300, 200 कॉल राइटिंग काफ़ी हुई थी कल, इसमें 20,000 पर 19,800 पे 19,900 पे भी कॉल राइटिंग हुई है, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है 19,500 की पुट का उसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, 19,600 की पुट वहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। तो निफ्टी बैंक फॉर द टाइमिंग वीक लग रहा है। देखिए दीपाली मैं बताऊँ आपको, निफ्टी बैंक पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है लॉन्ग पे पैसा कमाना मुश्किल है निफ्टी बैंक पे। मैं आज जाते जाते एज ए ट्रेडर यहाँ पर 19,200 की पुट लेकर जाऊँगा, जितना भी प्रीमियम होगा रखूँगा, इवेंट है प्ले करूँगा। मेरे को लगता है कि इवेंट अगर बाजार के पक्ष में हुआ भी ना तो भी ये चल नहीं पाएगा, इसलिए मैं 19,200 की पुट लेके जाऊँगा इस पर। और निफ्टी ये निफ्टी पर हम खास तौर से आज एफएनडो पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली कॉल और पुट का, आई मीन 12:30 पर, कि कॉल और पुट का कौन सा जोड़ा आपको लेके जाना चाहिए 12:30 पर, या फिर अंतिम बाजी बात करेंगे उसके बारे में। जी, लेकिन राकेश अभी आपने जिस तरह से कहा कि आज स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग देखी जा सकती है, तो ऐसे में शॉर्टिंग की स्ट्रेटजी आपने बनाई है आज इंट्राडे में? बिल्कुल दीपाली, शॉर्टिंग की स्ट्रेटजी है, सबसे पहले तो एक भारती पर एक सेल कॉल रहेगा 326 रुपए 70 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ,
308 रुपए के लक्ष्य के लिए कुछ बाय कॉल्स भी हैं, ग्लेनमार्क फार्मा को बाय करके चलना चाहिए, 870 का स्टॉप लॉस, 945 का टारगेट, फार्मा पैक सारा अच्छा लगता है, डिवीज लैब को खरीद के चलना चाहिए, 1295 का स्टॉप लॉस, 1400 का टारगेट। इंफ्रास्ट्रक्चर में आईआरबी एक नई टेरिटरी में निकला है, आईआरबी को बाय करके चलना चाहिए, 240 का स्टॉप लॉस, 260 का लक्ष्य। जी अविनाश गोरखसागर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग अविनाश। अविनाश, कुछ ही देर में बैंक ऑफ जापान क्या डिसीजन लेता है रेट्स को लेकर वो भी क्लियर हो जाएगा, और देर रात तक फेड की स्थिति भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे ठीक पहले थोड़ी सी कॉशियसनेस हमने इंडियन मार्केट्स में अभी देखी है। इन दोनों ही इवेंट्स का कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं, व्हाट एवर बी द आउटकम्स, अभी क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग दीपाली, मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही इवेंट्स में जिस प्रकार का मार्केट ने स्टांस लिया है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव सरप्राइज आएगा, मुझे लग रहा है कि बोथ बैंक ऑफ जापान एज वेल एज जो रात को फेड मीटिंग की कमेंट्री आएगी, इसमें एक बात तो सही है कि इमीडिएटली कोई नेगेटिव सरप्राइज आने की गुंजाइश नहीं लगती, अभी भी लूज मनी पॉलिसी ही बैंक ऑफ जापान फॉलो करेगी। और रही बात फेड की, तो हमको लग रहा है कि इलेक्शन के पहले ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आएगा, और अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि कल मार्केट्स अच्छी तरह से एक बाउंस दिखाने का पोटेंशियल रखता है। मुझे लग रहा है कि इलेक्शंस के बाद, दैट इज नवंबर 8 के बाद ही होपफुली दिसंबर में रेट हाइक आने की चांसेस है, और यहाँ पे अगर कॉमेंट्री में दिसंबर का मेंशन नहीं होता तो मेरे ख्याल से मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली लेगी, लिक्विडिटी वापस मार्केट्स में आएगी।